सरब बहुत अच्छा लगता है। He's a gem of a person. और मैं वही सोच रही थी कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। महराज उसकी वजह से हंसी। पहली बार मैंने उसे हंसते हुए देखा है, वो भी किसी आदमी की वजह से जिससे वो इतनी नफरत करती थी। आई एम श्योर कुछ तो बात होगी सरब में, है ना मामा? मेयर की हंसी देखकर ना आसमा और घरवाले बहुत शॉक्ड हो गए। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेयर इतनी अचानक से खुश ऐसे हो गई, क्योंकि इतनी हंसी तो उसकी कभी देखी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं एपिसोड में कि भाई जो सरब है वो उसको चंडीगढ़ लेके गया है, वहाँ पर बहुत प्यारी सी नोकझोंक होती है दोनों के बीच में। कुछ तो बात है सरब, मैंने तो सोच लिया है कि मैं सरब के घर उसके लिए रिश्ता लेकर जाऊंगी। सच्ची? इस घर के लिए और मेरी बेटी के लिए इससे अच्छी चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा जवाई तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं वहाँ पर ढाबे पर, और यहाँ भाई मेहर जो है वो उसको मिट्टी में गिरा भी देती है, उसकी मिट्टी वगैरह भी लग जाती है और हंसती भी है उसके ऊपर, और एक प्यारी सी केमिस्ट्री दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई है। तो अब हो सकता है उसे देखकर मुझे अरमान की याद आ जाती है। अरमान भी ऐसा ही जिद्दी था, लेकिन जब मैं उसके सामने होती थी तब वो मेरी भी नहीं सुनता था। मुझे खुश रखना मानो कि इन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो जाए, लेकिन भाई हानिया का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आसमा इन दोनों का प्यार देखकर, मेहर की हंसी देखकर बहुत अच्छा फील कर रही है और कह रही है कि भाई मुझे ना अब इनका रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। और हानिया को लग रहा है कि भाई ये मेरे रिश्ते की बात कर रही है माँ के, और उनको कैसे समझ में आ गया कि मैं तो सरब से प्यार करती हूँ। उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था, सरब भी मेरी बेटी को इसी तरह प्यार करेगा। आई एम श्योर। बाबा जी, मम्मा तो बिना बोले ही मेरी दिल की बात समझ गई। मेहर के लिए सरब से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तक ना हानिया को यह नहीं पता है कि वो मेहर और सरब की बात कर रही है। अभी तक हानिया को लग रहा है कि वो उसकी और सरब की बात कर रही है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई किस तरीके से गलतफहमी दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोमो हमने देखा ही था कि जो आसमा की माँ है वो पहुंच जाएगी सरब के यहाँ और उससे रिश्ते वगैरह की बात करेगी। वो मेहर की लगाम भी खींच सकता है और उसके चेहरे पे स्माइल भी ला सकता है। सरब की माँ हाँ कर देगी, भाई उसको तो इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा, इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी सरब के लिए। यहाँ पर हानिया को सच पता लग जाएगा कि जो आसमा है वो तो मेहर और सरब के रिश्ते की बात करने आई थी, मेरी बात नहीं करने आई थी। तो भाई अब उसका दिल टूटने वाला है। लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई वो पुराने वाले जो एपिसोड है ना, पुरानी वाली जो जनरेशन थी वो शायद दोबारा से रिपीट हो रही है। क्योंकि हमने देखा था ना तेजो, फतेह और जैस्मिन में क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर वो दोनों बहनें थी लेकिन प्यार करती थी फतेह से, और यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पर भाई सरब एक लड़का है और हानिया और मेहर अब एक ही लड़के से प्यार करते हैं।